गुड मॉर्निंग एवरीवन, किड्स आप सब कैसे हो? मुझे पता है सब बच्चे फाइनल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और उन बच्चों के लिए कोई मुश्किल नहीं है जो शुरू से जितना भी जितने सब्जेक्ट का लर्न करने के लिए राइट करने के लिए आपको मिल रहा है वो बच्चे लगातार कर रहे हैं और उन्होंने जितने भी एग्जाम दिए हैं काफ़ी अच्छे एग्जाम गए हैं उनके। और फाइनल एग्जाम में आपके लिए ये है कि जितने भी आप शुरू से जितना कुछ लर्न कर चुके हो तो अभी हम उसी चीज का रिवीजन करेंगे ताकि आपको फाइनल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चे नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, ठीक है? तो इस क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हो, है ना? और ये एक तरह का आपका हर रोज हम लोग प्रैक्टिस ही करते हैं। जैसे मैं अभी कुछ भी बताऊंगी तो बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता है, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं जो बच्चे मेरे साथ उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, सब बच्चे इसका आंसर भी देते हैं। तो जैसे बेटा मान लो किसी बच्चे के पास ये पहली बार गया होगा या वो पहली बार इससे जुड़ा होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बेटा अभी आप छोटे हो तो आपको लर्न करने के लिए चीज़ को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। एक ही बार में किसी को भी नहीं आता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आज हम इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, अपोजिट वर्ड्स, तो ये वही हैं जो हम लास्ट टाइम में 2-3 टाइम में कर चुके हैं उसी में से, ठीक है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के पास अभी पहली बार जा रहा है वो भी अगर पूरी मेहनत करेंगे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी अच्छे मार्क्स लेके नेक्स्ट क्लास में चले ही जाएंगे, ठीक है? तो आज हम लोग कर रहे हैं OPPOSITE, अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट मीन्स क्या होता है बेटा? हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उल्टे शब्द। अपोजिट मीन्स उल्टे शब्द, ठीक है? जैसे दिन का रात, ठंडा का गर्म, ऐसे होता है ना। तो जैसे ही इंग्लिश में आज हम लोग इसकी फिर एक बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे CLEAN, क्लीन, और क्लीन का अपोजिट क्या होता है, डर्टी, DIRTY, क्लीन डर्टी। क्लीन मीन्स साफ और डर्टी मीन्स गंदा, ठीक है? नेक्स्ट है नंबर 2, LOSE, लूज, और लूज का क्या होगा, विन, WIN, विन। विन मीन्स जीतना, लूज मीन्स हारना। नेक्स्ट है नंबर 3, BREAK, ब्रेक, और MEND, मेंट। ब्रेक मीन्स टूटना और मेंट मीन्स जब हम उसको टूटी हुई किसी चीज को रिपेयर करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंट। ब्रेक, मेंट। नेक्स्ट है नंबर 4, ACTIVE, एक्टिव, एक्टिव का लेजी, LAZY, लेजी। एक्टिव मीन्स बेटा चुस्त और लेजी मीन्स सुस्त। नेक्स्ट है नंबर 5 में DROP, ड्रॉप, ड्रॉप का अपोजिट पिक, PICK, पिक, ड्रॉप का पिक। ड्रॉप मीन्स गिराना और पिक मीन्स उठाना। नंबर 6, RIGHT, राइट, और WRONG, रॉन्ग। राइट का क्या होगा, रॉन्ग, राइट मीन्स सही और रॉन्ग मीन्स गलत। अब आप देख रहे हो रॉन्ग में W की आवाज नहीं आती है, लेकिन हम राइट करेंगे WRONG, रॉन्ग, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे, रॉन्ग, ठीक है? इसमें W की आवाज नहीं आएगी। नेक्स्ट है नंबर 7, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट, और इसका क्या होगा, लास्ट, LAST, लास्ट। नेक्स्ट है नंबर 8 में बिग, BIG, बिग। बिग का क्या होगा, स्मॉल, SMELL, स्मॉल। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। नंबर 9 में हैप्पी, HAPPY, हैप्पी का क्या होगा अपोजिट, सैड,
S-A-D, sad, happy, sad, खुश, उदास. लास्ट में है फुल, F-U-L-L, फुल, और E-M-P-T-Y, empty. फुल का क्या होगा? Empty. फुल means भरा हुआ और empty means खाली. ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी स्पेलिंग ऐसा नहीं है जो आपको लर्न नहीं हो. तो एक बार साथ साथ हम लोग फिर से इसकी एक बार रिवीजन करते हैं. जैसे क्लीन डर्टी, लूज बिन, ब्रेक मेंट, एक्टिव लेजी, ड्रॉप पिक, राइट रॉन्ग, फर्स्ट लास्ट, big small, happy sad, full empty. ठीक है बेटा, तो इसे अपनी इंग्लिश कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में राइट कर लेना, और साथ में लर्न भी कर लेना है विद स्पेलिंग.